हेलो। ए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? दिमाग में केमिकल लोचा हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे नहीं देखा तो मैं मर जाऊंगा रे। अभी इसके लिए टाइम है भैया, तब तक ऐश कर लो। कमेन। क्या है रे? नमस्ते सर। मिसिंग केस है सर। पिछले 10 दिनों से मेरी एक अच्छी दोस्त लापता है। फोटो वोटो है क्या? है ना सर। कितने दिनों से लापता है लड़की? 10 दिन से सर। पागल हो गया क्या? पर ये तो रुक, मैं भी आता हूं। बोल भानु। 10 महीने पहले हमने 2 लोगों को मार दिया था, दीप्ति सत्या। गड़े मुर्दे अभी क्यों खड़ा रहा है? एक लड़का मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया है कि दीप्ति 10 दिनों से गायब है। पागल हो गया। ए, रोक उसको, वो जाने ना पाए। मेरे पास ला उसको। रोक, मैं कहता हूं रोक, रोक साले। इतने लोग यहाँ खड़े हैं, क्या किसी ने ये हादसा होते हुए नहीं देखा? किसी ने भी नहीं? कोई तो होगा जिसने ये हादसा देखा होगा। ए, 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 वुँ, वुँ, वुँ। कातिल ने कैसे मारा उसे? वही बताने तो यहां आया हूं। ए, रुक जा। ए, रुक। कौन है बे तू? सत्या। सत्या? पहचाना मुझे? क्या तुम्हें कातिल की शक्ल याद है? उसे देखते ही पहचान लूंगा। स्केच आर्टिस्ट को अंदर भेजो। उसका हुलिया बताओ जल्दी। और उसकी बाई आंख थोड़ी सी छोटी बनाना। हो गया सर। यही है वो? हाँ, यही वो शख्स है। अगर तुम्हारी दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर आना पड़ेगा। शो। रुको। उसका चेहरा इतनी बारीकी से तुम्हें कैसे याद है? ये चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता सर।
मैंने उसे एकदम करीब से देखा है। क्या हुआ एसीपी? कुछ पता चला? इंस्पेक्टर भानु का मर्डर हुआ है और कहीं ना कहीं इस मर्डर से तुम्हारा भी संबंध है। हर रोज न जाने कितने लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं एसीपी। अरे भाई सेलिब्रिटी हो तुम। हाँ बाय द वे हमारे पास खूनी का हुलिया है। गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया तू। मैं इसे नहीं जानता। यही उम्मीद थी? हाँ तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। ये लो मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इंस्पेक्टर की फोटो के पीछे दो नंबर लिखा हुआ है और देवा की फोटो के पीछे एक। टेक केयर वीरू भाई। सुनो वो साला अभी तक जिंदा है, ले आओ उसे। सत्या किधर है? अंधे होके दिखता नहीं। इट्स मी। कन खजूरे में सत्या के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं भी सत्या के बारे में ही बोल रहा हूँ। इट्स मी। Why are you mishandling me? साले तू उसके घर में क्या कर रहा है? वो मेरा खुद का घर है, मैं ही उसका मालिक हूँ। 10 महीने से खाली पड़ा था तो मैंने कब्जा कर लिया, माँ कसम। जानता है ये कौन है? आप ही बता दो सर। घर में और कौन कौन रहता है? अगर इन्हें पता चला कि वो खूनी वहाँ रहता है तो ये मुझे भरी जवानी में लुढ़का डालेंगे। और कोई नहीं सर, सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ, एकदम सिंगल। लड़की ढूंढ रहा हूँ, कोई हो तो बताना। ये तो चवन्नी का मैं। एसीपी को जिसने इसका हुलिया बताया था उसको उठा के लाओ। भाई वो लड़का आ गया तो लाना इधर। अब किसकी एंट्री? ये यहाँ क्यों आया? तूने ही इसके आदमियों को मारा और अब तू खुद ही इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये लोग मान भी जाएंगे। बढ़िया सर बढ़िया। आपने बुलाया भाई? क्या तुमने इसको ही देखा था? हाँ। ये साला एक एक करके मेरे आदमियों को टपका रहा है। ये नहीं ये टपका रहा है। खून करते वक्त उस कुत्ते ने कुछ कहा था क्या? सिंपल सर, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ए बटले चोंच बंद रख। लो नेकी करो और खुद गड्ढे में जाओ। मुझे लगा था मैं अकेला नमूना हूँ, ये भी ऐसा ही है। बताओ उसने क्या बोला था? उसने कहा उसे आपकी आंखों में खौफ देखना है। वैसे उसने कुछ गलत नहीं कहा था, मुझे आपकी आंखों में खौफ दिख रहा है। मुझे ये चाहिए, जब भी ये तुम्हें दोबारा दिखे मुझे फौरन फोन करना। इसकी खबर देने के लिए या इसे पकड़वाने के लिए मुझे आपके साथ रहना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई इसका अगला शिकार आप। क्या कहा? ऐसा उसने कहा था भाई। क्या एक्टिंग करता है ड्रामेबाज। मैं चलता हूँ भाई। सर मैंने भी उसे अपनी आंखों से देखा है। कहाँ देखा था? इस फोटो में। और कहाँ? इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। भैया से बात करता हूँ। संजू क्या हुआ? वीरू भाई को जो लड़की चाहिए वो मिल गई। किधर है? वो देख रोड क्रॉस कर रही है। ए, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उस पर मेरे बड़े भाई की नजर है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर भैया को पता चल गया ना तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे, मार देंगे मुझे। उन्हें पता चलेगा तब ना। आपके भाई को लड़की के बारे में आप ही तो बताएंगे ना। कुछ दिनों तक सब्र कीजिए, आपके भाई से मैं निपट लूंगा। ए, तू मेरा सच्चा दोस्त है यार, शुक्रिया। हेलो भाई,
मैं देवा का आदमी। हाँ बोल। याद है उस दिन आपको लड़की के लिए फोन किया था मैंने? हाँ तो वो लड़की मैंने ढूंढ ली है, पर आपका छोटा भाई उस पर फिदा है। हे गधे, जानता भी है तू किसके बारे में बात कर रहा है? मैं जानता था आप यकीन नहीं करेंगे। फोन रखिए, मैं फोटोज भेजता हूँ। संजू, देवा का आदमी बोल रहा था कि तू आजकल किसी लड़की के चक्कर में। नहीं भैया, आपको गलत खबर मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेकार में टेंशन मत लो, मैं जाऊं। भैया को मुझ पर शक हो गया, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप इस तरह शराब पीते रहोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? ए, तू मेरे भाई को जानता नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो क्या कर लेता तू? अरे बताना, क्या कर लेता तू? उसे मार देता। क्या? कब तक साला वीरू भाई की परछाई बन के जिंदगी काटोगे? अगर मैं किसी भाई के डर से अपने प्यार की कुर्बानी दूं तो धिक्कार है मेरे प्यार पर, लेकिन अगर मैं वीरू भाई को रास्ते से हटाऊं तो एक तीर से दो निशाने। पहला, मेरे दिल की धड़कन मेरी होगी, और दूसरा वीरू भाई की पोजीशन। ए, ए, भैया अब इस शहर में संजू भाई का राज चलेगा।